लक्ष्मी, कुछ पैसे हैं क्या? 100 रुपए से कम ही होंगे, चाहिए क्या? पैसे नहीं है, हमेशा यही कहती रहती हूँ, कभी पूछ लो, 100 रुपए से ज्यादा नहीं होते हैं तुम्हारे पास। हाँ तो मैं क्या नौकरी कर रही हूँ, आप जाकर बाहर पैसे कमा कर लाते हो, तभी तो मैं घर चला पाती हूँ ना। कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। गुस्सा क्यों हो रहे हो? एजेंसी से पैसे आएंगे ऐसे कहा था, अभी तक तो कुछ आया नहीं है, क्या होगा कुछ समझ में नहीं आता। इस महीने भी आपने पैसे नहीं दिए हैं, मैं घर कैसे चला रही हूँ मुझे पता है, घर में कुछ भी नहीं है, माँ से पैसे लेके मैं घर का खर्चा चला रही हूँ, बहुत बेइज्जती हो रही है, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। एक बार गणेश की शादी हो जाए तो माँ चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगी। क्या तुम्हारे भाई की शादी हो गई तो तुम्हारी माँ को क्या हो जाएगा? अपनी बहू का हाथ पकड़ कर चलने दो उन्हें, वो कैसे चलती मुझे क्या? मेरी बहनें भी मेरे घर आते जाती रहती है, लेकिन मेरी तरह उन्हें किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं पड़ती। महारानी से कुछ पैसे मंगवा रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे भीख मंगवा रहा हूँ, ऐसी क्या बात हो गई? जब देखो तब कुछ ना कुछ उल्टा ही बोलती रहती है ये। मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, मुझे क्या, आप पर विश्वास करके मेरी शादी आपसे करवाई, परिवार को चलाना तो आपकी जिम्मेदारी है, आपसे होता है तो बताइए, नहीं तो मैं सब कुछ छोड़कर चली जाती हूँ, बस आज के बाद मुझसे कुछ मांगना मत। नहीं मांगूंगा, कुछ भी नहीं मांगूंगा, तुम जाओ। थोड़ा सा पैसा क्या मांग लिया, इतनी बकवास कर गई है, चावल नहीं है, दाल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बोल रही है। एक आदमी चावल के लिए रो रहा है तो दूसरा पंचाभूत के लिए रो रहा है, छे।